तो हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं हर देखो पंद्रह सोलह के आसपास ये एनआईन है हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है तीन चार टेस्ट हैं किसी के पांच हैं किसी के चार हैं तो आपको एट लीस्ट हर किसी के दो दो टेस्ट तो जरूर करने हैं और मैं बताऊंगी कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका जरूर करके जाना तो कार्बोनेट कैसे टेस्ट करेंगे हम कि हमारे मिक्सचर में कार्बोनेट है तो कार्बोनेट रिएक्ट विद डल किसी की मैंने थ्योरी लिखी है किसी की नहीं लिखी देख लेना कार्बोनेट रिएक्ट विद डल्यूट एस टू एसो फोर एंड प्रोड्यूस सीओ टू गैस जब कार्बोनेट आपको सिर्फ कार्बोनेट पे ध्यान देना है ये जिंक का लिखू मैं लेड का लिखू ये आप कुछ भी लिख सकते हो ए बी सी भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में जस्ट कार्बोनेट तो कार्बोनेट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई देखो क्या रिएक्शन हो सकती है जिंक सल्फेट बन गया और H2CO3 H2CO3 क्या होता है कार्बोनिक एसिड उसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2O CO2 प्लस तो CO2 रिलीज होती है बबल्स दिखेंगे तुम्हें और अगर तुम तुम्हारे पास लाइम वाटर होना चाहिए साइड में एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेके रखोगे लाइम वाटर क्या है सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो लाइम वाटर में जब सीओ टू गैस को पास करोगे जो रिलीज हुई है तो ये CaCO3 सीओ थ्री बनाता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और तुम्हारी जो टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर है उसमें सीओ टू पास करोगे तो वो मिल्कीनेस एकदम धुंधला धुंधला सा कुछ तुम्हें दिखेगा पहले क्लियर सोल्यूशन होता है लाइम वाटर का तो ये जो मिल्कीनेस आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट बना है अब लाइम वाटर के साथ तो उसकी वजह से आती है तो अगर वो मिल्कीनेस तुम्हें दिखाई दे रही है मतलब तुम्हारे कंपाउंड में कार्बोनेट था अगर नहीं दिखाई दे रही तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो हम ये लिख रहे हैं तो मतलब कार्बोनेट नहीं था तो सिंपल सी बात डिल्यूट एस्ट्रोसोफोर्ड से रिएक्शन कराओ और सीधा जो गैस रिलीज होती है उसको पास करवाओ इस सोल्यूशन में से तो मिल्कीनेस अपीयर होना मतलब कार्बोनेट इज प्रेजेंट ये सबसे ईजी टेस्ट है ये ध्यान रखना है उसके बाद देर आर टू मोर टेस्ट मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट एंड कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट मैग्नीशियम सल्फेट डाल दो जो हमने डब्ल्यू बनाया है या एस सी बनाया है उसमें मैग्नीशियम सल्फेट डाल दो यहाँ सिर्फ तुम्हें तो कार्बोनेट से मतलब है मैं बार बार यहाँ कभी कुछ लिखूंगी कभी कुछ तो इससे कन्फ्यूज मत होना के टू ओ थ्री लिखा है एन ए टू ओ थ्री लिखा है तो सीधा कार्बोनेट को अगर मैग्नीशियम सल्फेट ये सोल्यूशन बने होते हैं लैब में रखे होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट से जब रिएक्ट कराओगे तो एम जी सीओ थ्री बनेगा और के टू एसओ फोर जो एम जी सीओ थ्री है उसके व्हाइट कलर के पीपीटी आते हैं तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट डालने पर व्हाइट कलर के पीपीटी बनते हैं तो भी कार्बोनेट प्रेजेंट है इसी तरह कैल्शियम कार्ब क्लोराइड डाल दो कैल्शियम क्लोराइड डालने पर सीए सीओ थ्री बनेगा वो भी व्हाइट पीपीटी है व्हाइट पीपीटी बनते हैं तो, तो भी कार्बोनेट प्रेजेंट है तो ये तीन टेस्ट कार्बोनेट के थे इनमें से तुम्हें एटलीस्ट दो याद रखने हैं देन बाई कार्बोनेट एच सीओ थ्री नेगेटिव ये बाई कार्बोनेट है बाई कार्बोनेट भी एच टू एसओ फोर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है तो सेम रिएक्शन बस यहाँ पर बाई कार्बोनेट आ जाएगा बाई कार्बोनेट एन एच सीओ थ्री प्लस एच टू एसओ फोर रिएक्शन कंप्लीट करो एन ए टू एसओ फोर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर के दो दो मोलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं यहाँ आपने डबल अमाउंट में लिया है दो मोल हैं सॉरी तो सीओ टू के बबल्स रिलीज होते हैं तो मतलब बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था अब मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट उसमें भी किया था इसमें भी किया है तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जब कोई बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो एन ए टू एसओ फोर ये बन गया और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना अब मैग्नीशियम कार्बोनेट जो लास्ट टेस्ट में बना था वो वाइट पीपीटी है लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कोई पीपीटी नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना है उसको हीट करके भी देखना है जब हम हीट करेंगे तो इस बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में से वॉटर बाहर और सीओ टू गैस रिलीज हो जाती है अब मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया बाई कार्बोनेट को हीट करने पर मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया वो व्हाइट पीपीटी है मतलब सेम टेस्ट है जो कार्बोनेट का था वही बाइकार्बोनेट के टेस्ट हैं दोनों यहां पर अगर आपको टेस्ट ट्यूब को हीट करने के बाद पीपीटी मिले डायरेक्ट पीपीटी ना मिले तो बाई कार्बोनेट है तो इस बात का ध्यान रखना सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट वहां पर भी कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है वो भी हीट करने के बाद ही कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी देता है तो बाई कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स वाइट पीपीटी तो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के तीनों टेस्ट सेम है बाई कार्बोनेट जस्ट हीट करने पर पीपीटी देता है वैसे